डड्डा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तारों से पतंग उतारते हुए देखा है? अब उसको ले क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिन पे उलझी पतंगे बच्चे भी उतार लाते हैं, वो और बात है। मगर दामनी के केस को छोड़ छेड़ कर जो तार तूने बेटा छीन लिए ना चड्डा, 250 वोल्ट का बिजली का बिल पता लगेगा, तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 400,000 देने को तैयार है, एक छोकरी की इज्जत के लिए इतनी रकम काफी है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, इज्जत की नीलामी से लेके इज्जत की भड़वा, इस पैसे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद आशिक भाई चल, चिल्ला मत चल, काटो चल, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना कोई तारीख, ना कोई तारीख, ना कोई सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। अब चल निकाल ले चड्डा, समझा इसे, समझा भैया, भूल गया क्या? ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। उसे मर्द साथ लेकर पैदा होता है चड्डा। और हाँ, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। ये सब का जवाब कल मैं अदालत में दूंगा। और हाँ, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की ना, तो वहीं मारूंगा। वहाँ जज ऑर्डर पे ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा चड्डा। एक्शन, अब घुमा दे कैमरा में, टपक मारूंगा। Thank you.